की सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह तो ये है हमारा फाइनल दत्ती मती माता मंदिर का पार्ट टू वीडियो। और आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं मेन मूर्ति। तो मेन मूर्ति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, क्या करते हो सब्सक्राइब 130 हो गए। इस वीडियो पे मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइब चाहिए, जाके जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार। और हम चलते हैं मेन मूर्ति की तरफ। और यहाँ पे सामने मेन मूर्ति है, और यहाँ पे ये पूरा मंदिर बना है, और ये हमारा फाइनल मंदिर है। और यहाँ पे भी ये बाहर मूर्ति है ना, जो सेम अंदर वाली जैसी है, पर वो अंदर वाले है ना कुछ अलग मूर्ति है, उसमें अलग ग्लो है। देखो अंदर जा रहे हैं हम, और सामने मामा जी खड़े हुए, ये लड़के आ गए, और ये मामा जी के शर्ट है ब्लू वाली। और सामने वो मूर्ति दिख रही है ना, वो जो ब्लिंक करी है अलग से, उसमें कलर चमक रहा है, वो है हमारे दधी मती माता मंदिर की फाइनल एंड मेन मूर्ति, जो हमारे मूल मूर्ति। और ये हमारे यहाँ पे बैठे पंडित जी हो गए। और अब चलते वापस मंदिर के फेरे लगाते हैं, और मंदिर का आपको दृश्य दिखाते हैं, और चलते हैं वापस घर। और ये सेकंड पार्ट आ रहा है, और हम दो पार्ट बना रहे थे इस वीडियो का। और हमारा इस वीडियो पे लाइक एम है 10 नहीं रखते यार, 50 लाइक एम है, जल्दी से लाइक करो। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, 100 सब्सक्राइबर्स। तो और कोई कमी मिलती है आपको हमारे वीडियोस में तो कमी जल्दी से बता दो, ताकि हम उस कमी को पूरी कर पाए और आपके लिए ज़्यादा अच्छी वीडियो बना पाए। और यहाँ पे देखो ये दर्शन करने आए हुए महिला, और ये है हमारे मंदिर के बाहर का नज़ारा। ये पीछे का यहाँ से फेरी लगाते हैं ना, यहाँ पे देखो मूर्तियाँ बनी हुई है, पत्थर के अंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखो प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई है, पूरा ऊपर तो घूमटी बनी हुई है। और ये हमारा भैरव मंदिर, श्री भैरव मंदिर, जहाँ पे हम प्रसाद छोड़ेंगे थोड़ा सा, और बाद में चलेंगे उस तरफ। तो आप आगे एंजॉय करो, आगे कोई कमेंट्री नहीं आ रही है तो एंजॉय करो, थोड़ी सी कमेंट्री और कर देता हूँ। और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर वापस। और ये मंदिर के अंदर ये मेन मूर्ति की कॉपी है, मतलब वही मेन मूर्ति, और ये सेम है मूर्ति, एक दोनों समान मूर्तियाँ। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रसाद चढ़ेंगे मामा जी, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर बाहर चलते हैं मंदिर में, कुछ ज़्यादा नहीं दिखाने के लिए। अब यहाँ पर ये प्रसाद चढ़ा दिया मामा जी ने, अभी चढ़ा रहे प्रसाद मामा जी मेन मूर्ति पे, अंदर पे भी चढ़े हैं मेन मूर्ति पर, यहाँ पे बाहर भी चढ़ा रहे हैं मेन, ये भी मेन है, पर वो ज़्यादा वो मूल है, मतलब मेन वही है सही वाली, ये तो ऐसे ही उसकी कॉपी जैसी रखी हुई है बाहर पर, वही वो ये दोनों सेम मूर्ति है। और बाहर चल रहे हैं, ये रहा अपना फाइनल मंदिर। और यहाँ पे दो होम कुंड बने हुए हैं, इनको दिखा देना जरूरी था, इसलिए दिखा दिया, यहाँ पे बीच में बना हुआ है, इसके पीछे ही मंदिर है होम कुंड के। और इस तरफ निकलते हुए वापस यहाँ पे कुछ बना हुआ है, और ये हमारा श्री हनुमान मंदिर, जो हम पहली बार पार्ट में दिखा रखा हमने। और तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। और ये टाइगर की मूर्तियाँ यहाँ के, इनके साथ फोटोज ली जा रही है। और ये हनुमान मंदिर अपना श्री हनुमान मंदिर, अब श्री शिवजी के मंदिर में जा रहे हैं हम, शिवजी के मंदिर में हम मामा जी और हम जल चढ़ाएंगे। ये देखो शिवजी श्री, ये पता नहीं आप नाम मुझे नहीं पढ़ जा रहा। और ये मामा जी यहाँ पे पानी चढ़ा रहे हैं शिवजी की मूर्ति पे। वो आपको वीडियो पसंद आते हो लाइक करना। तो चलो दधी मती माता मंदिर, लोकेशन नागौर रोड गोट मांगलोथ। Thank you.
आज भी चलती है ये। ये है बग्गी जिसमें मामा जी का मन हुआ बैठने का, इसलिए वो अंदर बैठ चुके हैं, बग्गी के अंदर बैठ चुके हैं मामा जी। और ये बग्गी ब्याह और शादियों में काम आती है, विवाह शादियों में काम आती है। और ये अभी भी यूज होती है, देखो कितनी सुंदर है, एकदम बढ़िया मोर डिजाइन बना रखी है। ये पुरानी जीप पे बनी हुई है और इसके लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दो। पूरे नागौर जिले का सबसे बड़ा सोलर पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। ये सोलर पैनल 20 से 25 एकड़ में बिछाए गए हैं।